संजय भाटिया वहां कहते हुए कि पार्टी ने ये फैसला लिया है, सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। तस्वीर भी सामने आई जहां नायब सैनी को मनोहर लाल खट्टर मुबारक दे रहे थे, बधाई दे रहे थे। अंकित डुडानी लाइव जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। अंकित, तो करनाल और कुरुक्षेत्र ये दो सीटें थी जहां पर अभी तक नाम इंगित नहीं किया गया बीजेपी द्वारा, तो एक अब यतेंद्र बता रहे हैं कि लोकसभा लड़ सकते हैं मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र से कोई नया चेहरा होगा क्योंकि नायब सैनी तो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। बिल्कुल, अब मनोहर लाल खट्टर जो हैं अब करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे हमें, क्योंकि अब करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर वो जीतते हैं, हारते हैं क्या होता है, अगर वो जीतते हैं तो वो फिर वहाँ सदन के अंदर जाएंगे, लोकसभा के अंदर जाएंगे। और सूत्र ये भी बताते हैं कि आगे जेपी नड्डा को भी वो रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी एक संभावना हो सकती है कि जेपी नड्डा को मनोहर लाल रिप्लेस करते हुए नजर आए एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो क्योंकि जिस तरह से कल तो प्रधानमंत्री की ओर से मनोहर लाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उनकी बड़ाई की गई थी, खूब बड़ाई की गई थी कि वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था और अभी भी हम एक साथ विकास कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक संकेत कह सकते हैं कि वो संकेत था। और अब करनाल से लोकसभा की टिकट मनोहर लाल को दी जा सकती है और मनोहर लाल लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं और सांसद के रूप में अपनी अगली पारी को शुरू कर सकते हैं। नायब सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद थे अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हरियाणा के होने जा रहे हैं, तो अब कुरुक्षेत्र से भी नया चेहरा आएगा, नया चेहरा वो कौन होगा अभी देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है और पिछले तीन जो स्टेट्स के चुनाव हुए उसके अंदर जिस तरह के सरप्राइज दिए गए, सारे जो मीडिया स्पेकुलेशंस थे या मीडिया की जो बातें थी वो सारी धरी की धरी रह गई, तो कहीं ना कहीं अभी एक बार फिर हरियाणा के अंदर समय अल्प है, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं, ओबीसी चेहरा है तो एससी ओबीसी और नॉन जाट वोट्स हैं, ये क्या आप बीजेपी के लिए कंसोलिडेट होंगी? 10 की 10 सीटों पर ये सारे समुदाय, ये सारे नॉन जाट कास्ट हावी है, उनका काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है 10 की 10 सीटों पर हरियाणा में। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी राजनीति कर रही है वो नॉन जाट की ही राजनीति कर रही है और पहले भी जो चेहरा दिया गया था जो मनोहर लाल थे वो पंजाबी समुदाय से आते थे, तो अभी लगभग 9.5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं और अब जो ओबीसी चेहरा दिया है तो ओबीसी के ऊपर विशेष जोर है, प्रधानमंत्री का कहें, गृहमंत्री अमित शाह का कहें, विशेष जोर है बीजेपी पार्टी का, पूरे देश भर में मैसेज देना चाहती है कि हम पिछड़ों के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं और वो मैसेज ही एक बार फिर से देते हुए नजर आ रही है कि ओबीसी को मुख्यमंत्री बना करके। जी, अंकित दुदानी या चंडीगढ़ से पल पल की खबर देते हुए। देखिए, सियासत की हर छोटी बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया आपको सबसे पहले पहुंचा रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने की खबर भी सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही दिखाई थी। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज इस्तीफा दे सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री खट्टर को करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है और उस एंटी इनकमेंसी को रोकने के लिए उनकी जगह पर एक नया सीएम दिया जा सकता है। इस वक्त न्यूज 18 इंडिया दर्शकों को बता दें, मनोहर लाल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, मनोहर लाल का सीएम पद से इस्तीफा हो चुका है। जो भी लेंगे, लेकिन अभी जो बात निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि मुख्यमंत्री के अलावा दूसरा नाम भी हो सकता है, कोई और भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता रहे हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हुए लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट। सबसे बड़ी खबर ये है कि हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर है। राजभवन पहुंच चुके हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए क्या पहुंचे हैं ये सवाल भी है, क्योंकि माना यह जा रहा है औपचारिकता महज भर अब रह गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि इस्तीफा वो देने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर, राजभवन पहुंचे हैं मनोहर लाल, जैसा भी अंकित भी कह रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर कोई और नाम हो सकता है। अंकित हमारे साथ है। अंकित,
सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर वहां पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त एक जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं, हरियाणा से जुड़ी हुई। जनता पार्टी का गठबंधन टूट चुका है, उसके ऊपर मोहर लगाई थी और अब हम ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट यहाँ इस्तीफे देने के लिए पहुंची है राजभवन, और अंदर राज्यपाल से मुलाकात हो रही है। अभी कुछ ही मिनटों के अंदर सब का इस्तीफा हो जाएगा, फिर नए सिरे से सरकार का गठन होगा। अभी 11:30 बजे बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और बैठक के अंदर ये तय होगा कि नया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री के साथ एक ही गाड़ी के अंदर गृह मंत्री अनिल विज भी साथ बैठ करके पहुंचे हैं, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, कौन नया चेहरा हो सकता है, कयास कई लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब अंदर से क्या खबरें आती हैं अभी आपके साथ साझा करेंगे हमारे तरफ से। बड़ी खबर यही है जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया दर्शकों को बता दे, मनोहर लाल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, मनोहर लाल का सीएम पद से इस्तीफा हो चुका है। अब चूंकि विधायक दल की बैठक की भी खबर है, वहीं पर ये डिसाइड होना है कि कौन सीएम पद की शपथ लेगा, बनाया जा रहा है, ये बात नहीं कही जा सकती। लेकिन कई चीजों में इशारे बहुत कुछ कहते हैं। मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से अनिल विज बराबर की कुर्सी पर सीट पर बैठे हुए थे और हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकले हैं, तो राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है। पहले भी अनिल विज का नाम उठता रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, लगातार जो सर्वे होते रहे हैं उनमें भी होता रहा है। लेकिन अभी 11:30 बजे इसके तुरंत बाद, यहां से निकलने के बाद तुरंत बाद 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होनी है हरियाणा निवास के अंदर, उसके अंदर नाम तय होगा, नया नाम तय होगा। वो नाम क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ही होगा या फिर नया नाम होगा, मंत्रिमंडल जो होगा वो नया होगा। तो अभी सारी चीजें ये चल रही हैं, सारी चीजें की चर्चा चल रही है। अभी 11:30 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसके अंदर तय होगा कि क्या होता है, क्योंकि पर्यवेक्षक भी तय किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और पर्यवेक्षक तभी तय किए जाते हैं जब कोई नया नाम उसके लिए आया हो, मुख्यमंत्री के लिए आया हो, क्योंकि नया नाम चुनने के लिए उनको भेजा जाता है। ये भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ही दोबारा चुनना था तो कहीं ना कहीं ये पर्यवेक्षक भेजने की जरूरत समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब क्या नया नाम होगा या पुराने ही नाम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो नाम है उसी के ऊपर एक बार फिर से मोहर लगेगी और फिर से एक बार जो है मनोहर लाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ये सभी कयास हैं और कयासों के ऊपर अभी चल रही है राजनीति, चल रही है। और अभी जो अंदर है ये खबर पुख्ता है और न्यूज 18 ने सबसे पहले आपको बताया था कि पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा देंगे और वो इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं। जी, ये सबसे बड़ी खबर अंकित आप लगातार न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता रहे हैं। अब चूंकि यहां पर जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर मनोहर लाल खट्टर को ही फिर से शपथ लेनी थी तो फिर आखिर पर्यवेक्षक क्यों नियुक्त किए गए, इसको लेकर भी एक सवाल बना हुआ है। इंतजार करना होगा कि क्या एक बार फिर से यही नाम होता है, मनोहर लाल खट्टर ही शपथ लेते हैं, या फिर रेस में कोई और दिखाई देता है। सबसे बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल से मुलाकात की और मनोहर लाल का इस्तीफा अब यहां पर हो चुका है।